हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं हूं चंदन मंडल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन में गूगल आर्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और पास में से बेल आइकन को ठोंक देना। हेलो व्यूअर्स, आप सभी ने गूगल आर्ट के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, सही समझे हैं, मैं गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहा हूँ, जिसकी मदद से आप पृथ्वी में किसी भी जगह को देख सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और अपने काम के लिए फ्री में उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ही किया होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने मोबाइल से एंड्रॉयड में ये गूगल अर्थ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वीडियो जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और कोई रिमोट सेंसिंग या जीआईएस वाला कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि YouTube में आपको गूगल आर्ट से रिलेटेड बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इतना डिटेल्स में वीडियो नहीं मिलेगा, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखना और हमारे साथ बने रहना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको गूगल आर्ट का ऐप इंस्टॉल करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। गूगल आर्ट का सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है, देखिए ये है 3D ग्लोब जो यूनिवर्स में इसका पोजीशन शो कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल को दिखाया गया है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है, और ये आर्कटिक सर्किल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा इसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के टॉप में 3 लाइन मिलते हैं, वहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, वॉयजर का ऑप्शन मिलता है, प्रोजेक्ट का, मैप स्टाइल का, फोटो सेटिंग्स और फीडबैक का। तो सिर्फ पहले आप सेटिंग में चले जाइए और वहाँ से आपको एनिमेशन का सेटिंग करना है। क्या सेटिंग करना है? टर्न ऑन फ्लाइट एनिमेशन। यहाँ पे आपको इसको चेक इन करके रखना है, तो आपको मैप का जो एरियल व्यू है मतलब फ्लाइट व्यू है वो आपको दिख जाएगा। फ्लाइट एनिमेशन स्पीड को आपको डिफॉल्ट करना है, आप उसको अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरा डिफॉल्ट ही क्या हुआ है, फ्लाइट एनिमेशन को सिनेमेटिक एनिमेशन रखिए, तो आपको दिखने में मज़ेदार रहेगा व्यू। अब देखिए फॉर्मेट्स एंड यूनिट्स, आप यहाँ पे किसी भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो किस यूनिट में मेजर करेंगे, ये यहाँ पे मेरा मीटर्स और किलोमीटर्स का यूज़ है, आप किसी और को यूज़ कर सकते हैं। जो प्लेस दिखेंगे यहाँ पे उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का फॉर्मेट डिग्री मिनट सेकंड में किया हुआ है। नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे ऑन करना होगा, तो जब आपको सर्च करेंगे किसी प्लेस के ऊपर से जाएंगे तो आपको उस प्लेस का स्टोरीज वॉयजर की मदद से मिल जाएगा। प्लेस ऑफ इंटरेस्ट का अलर्ट मेरा ऑन किया हुआ है, आप ऑन कर सकते हैं। डार्क थीम का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है, आप इसको वाइट भी कर सकते हैं। गूगल लोकेशन सेटिंग आप ऑन कर सकते हैं, रेंडरिंग क्वालिटी का आप डिफॉल्ट भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका प्राइवेसी पॉलिसी ये दिया गया है यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पे मैप स्टाइल का ऑप्शन आता है, मैप स्टाइल में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि आप क्या चाहते हैं, लेवल एंड बॉर्डर्स, कोई बॉर्डर्स नहीं चाहते हैं या बॉर्डर्स चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लोरेशन पे क्लिक किया हुआ हूँ, जहाँ पे मुझे बॉर्डर्स, लेवल, प्लेस एंड रोड सभी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि एक रिसर्चर या कोई काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो उसको चाहिए होता है, तो मुझे चाहिए तो मैं करके रखा हूँ। 3D बिल्डिंग का मोड मैंने ऑन किया हुआ है ताकि मुझे व्यूज़ अच्छे मिले और मेरा काम में कोई दिक्कत ना हो। एनिमेटेड क्लाउड्स का भी मैंने चेक इन करके रखा है, इससे भी मुझे हेल्प मिलता है। और ग्रिड लाइंस का मैंने इस्तेमाल करके रखा है ताकि मुझे किसी भी प्लेस का लैट लॉन्ग का अच्छी खासी पता चले, क्योंकि रिसर्च में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ओपन, ओपन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको किसी भी KML या KMZ फाइल को यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोलेगा, और अगर आपके पास वो फाइल अवेलेबल है तो आप यहाँ पे उसको अपलोड करके अपना प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं। जो रिमोट सेंसिंग वाला या GIS वाला आप काम कर रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वॉयजर का, इससे आप किसी भी प्लेस को, प्लेस ऑफ इंटरेस्ट आप सर्च कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन यहाँ पर आता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे ये काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर 3 डॉट वाला ऑप्शन है राइट के टॉप में, यहाँ पर राइट टॉप के जो 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करके इसको लिंक शेयर कर सकते हैं और पोस्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। देखिए इसका एक पोस्ट कार्ड क्रिएट हो चुका है, आप इसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही पोस्ट कार्ड आप किसी भी प्लेस का या कभी कर सकते हैं और किसी को सेंड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे मेज़र का, आप यहाँ पे डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कोई एक जगह को चूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए ये एक जगह है, मैंने इसको चूज़ कर लिया और यहाँ पे नीचे देखिए ऐड पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड पॉइंट पर क्लिक कर देना है, तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस तरफ ही जाना है आप उस तरफ जाके एक पॉइंट क्लिक कर दीजिए, तो वहाँ पे सेकंड पॉइंट आ जाएगा। आप थर्ड पॉइंट का इस्तेमाल एट पॉइंट में क्लिक करके कर सकते हैं और ऐसे आप अपना जो ट्रैवर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं और अपना एरिया पा सकते हैं। देखिए यहाँ पे
ये जो एरिया मैंने बनाया है इसका पेरीमीटर शो कर रहा है, आप डिफरेंट यूनिट में इसका पेरीमीटर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहे हैं और एरिया भी आपको डिफरेंट यूनिट्स में यहाँ पे मिल जाएंगे, और सिंपली आप इस रिजल्ट को कॉपी करके किसी को सेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है इसका सिंपल सा फीचर्स। अब अगर आपको इसका लैट लॉन्ग चाहिए तो यहाँ पे आपको इसका लैट लॉन्ग भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो ग्रिड व्यू है मैंने इसको ऑन करके रखा है, तो इसका जो ग्रिड है ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। सेकेंड जो ऑप्शन यहाँ पर आता है, देखिए ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू हम कोई भी प्लेस जो कि अच्छा खासा प्लेस है, देखिए लेक क्लार्क ये एक सुंदर सा जगह है जहाँ पे हम इसके थ्रू देख सकते हैं। आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, ये देखिए क्रिटल लेक, लेक पावेल, ऐसे ऐसे आपको लेक्स मिल जाएंगे, आप सर्च करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे इस प्लेस का एक व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर सा एक व्यू आप देख सकते हैं आ रहा है। अब मैं इसको 2D में देख रहा हूँ, इसको मैं नीचे दिए गए ऑप्शन से 3D में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए अब 3D में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको इसका जो सिनेमेटिक व्यू है और फ्लाइंग व्यू है जो आप प्लेन या हेलीकॉप्टर से देख सकते हैं, ऐसा व्यू आप देख सकते हैं। तो मैं कहाँ था, इस प्लेस में था। ठीक है, और अगर आपको इसका स्ट्रीट व्यू चाहिए तो आपको इस मैन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और किसी भी लोकेशन जिसका आप स्ट्रीट व्यू चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करना होगा। अगर उसका स्ट्रीट व्यू अवेलेबल है तो वो आपको स्ट्रीट व्यू शो कर देगा, या इस प्लेस का स्ट्रीट व्यू है तो आप देख सकते हैं इसका स्ट्रीट व्यू हमारे सामने आ चुका है। देखिए कितना बढ़िया स्ट्रीट व्यू यहाँ पे आएगा, आपके नेट के हिसाब से ही ये स्ट्रीट व्यू आ जाएगा। देखिए ये एक जिस प्लेस में मैंने क्लिक किया था उस प्लेस का ओरिजिनल व्यू मेरे पास आ चुका है, और ये देखिए ये प्लेस आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा 3D मोड में, पूरा का पूरा व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। कितना बढ़िया चीज़ है ना, ये आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये मिलता है नहीं मिलता है, आपको यहाँ से ये ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसी बेस को ऐसे सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वॉयजर का सपोर्ट दिया गया है, अब इस वॉयजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट प्लेसेस के ऑप्शन आएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ द हिडन वर्ल्ड ऑफ द नेशनल। देखिए यहाँ पे नेचर के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए ये देखिए अर्बन एक्सपेंशन कैसे हो रहा है टाइम लैप्स के हिसाब से, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बढ़िया देखिए फीचर्स को आप एक बार देख लेंगे तो आपको रिसर्च में या अपने सारे कामों में ये बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए यहाँ पे लेयर्स के ऑप्शन दिए गए हैं, सैटेलाइट इमेजेस आपको मिलते हैं यहाँ से, आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए सुनामीज इन हिस्ट्री, क्या क्या सुनामीज आए हैं, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक वीडियो शो करेगा जिसके थ्रू आप उस प्लेस का हिस्ट्री जान सकते हैं, उस प्लेस का कल्चर, एडुकेशन, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, आपको यूट्यूब में जाके या गूगल में सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जिस प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, सिंपली उस प्लेस का आपको यहाँ से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, एकदम अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन। अब देखिए आप यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है ये सर्च वाला ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया, अब सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोलकाता सर्च कर रहे हैं, तो मैंने कोलकाता को सर्च कर दिया, अब देखिए यहाँ पे कोलकाता का एक व्यू आ जाएगा। ये देखिए अर्थ मूव कर रहा है और कोलकाता में जाके इसका पोजिशन सेट हो चुका है, और ये देखिए मुझे एक कोलकाता का जो व्यू है, कोलकाता का जो एरिया है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। बढ़िया है ना, आप यहाँ से इसको पोस्ट कार्ड में कर सकते हैं या आप उसको कट भी कर सकते हैं, मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, अब आप कोलकाता के किसी भी प्लेस को, अगर जिस प्लेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस प्लेस का लैट लॉन्ग का आपका कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ से लैट लॉन्ग को सिंपली कलेक्ट कर सकते हैं, आपके काम में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका सिंपल सा फीचर्स। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये सारे जो फीचर्स हैं वो लैंड सेट के सेटेलाइट इमेज के थ्रू लिए जा गए हैं और इसके थ्रू ये काम करता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इस गूगल अर्थ के सिंपल से इस फीचर्स के बारे में था, और मैंने आपको अच्छी खासी गूगल अर्थ का फीचर्स समझा दिया है मुझे लगता है। अगर कोई दिक्कत है आपको कैसे मोबाइल में यूज़ करना है, क्या करना है, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।